हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फिक्सर। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। गाइस आज हमारे पास एक सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा फ़ोन आया है, जिसका इशू है कि उसका बैक पैनल ऑटोमेटिक निकल रहा है। ये ऐसे ही बहुत सारे फ़ोन मार्केट में आते हैं, किसी का बैक पैनल निकलता है, किसी का डिस्प्ले निकलता है। तो इसका बहुत आसान सोल्यूशन है, वीडियो में बने रहिए, यह आसान सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो ये गाइस, हमारे पास ये फ़ोन आया है, सैमसंग का फ़ोन है नोट 20 अल्ट्रा। तो ये बैक पैनल का जो निकल जा रहा है, इसका बैटरी का इशू है मेरे हिसाब से, इसलिए इसका बैक पैनल निकल रहा है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे फ़ोन होते हैं जिसका बैटरी का कोई इशू नहीं होता, तब भी उसका डिस्प्ले और बैक पैनल निकल जाता है। तो देखो ये तो फ़ोन की बैटरी फूल गई है एक साइड से, जिस वजह से वो बैक पैनल निकल जा रहा है। तो गाइस हमें क्या करना है, सिंपल सा फंडा है इसका, तो बैटरी चेंज करना है। ये जो बैक पैनल अभी सैमसंग की जो क्वालिटी होती है फिटिंग की, ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन होती है, अच्छे से फिट होता है। लेकिन ये जो बैक पैनल किस वजह से निकलता है, जो फ़ोन का बैक पैनल निकलता है उसकी एक वजह होती है जिस वजह से वो बैक पैनल निकल जाता है। वो वजह ये है कि जब आप हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ उस एरिया का टेम्परेचर क्या है। हम पुणे में रहते हैं तो यहाँ पर ठंड रहती है, गर्मी रहती है, लेकिन लोग जो भी एरिया में रहते हैं, जिधर हर एक जगह का माहौल अलग होता है, तो जो टेम्परेचर के हिसाब से ये होता है, जितना अपना फ़ोन ज़्यादा हीट होता है तो उसका जो ग्लू होता है। अभी आप बोलेंगे टेम्परेचर और इसका क्या कंसल्ट, ऑब्वियसली गाइस टेम्परेचर और इसका एक कंसल्ट है, क्योंकि आप गौर करिए, जो आदमी अक्सर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, जो किचन के शेफ होते हैं या किचन में काम करते हैं या कोई गर्म जगह पे काम करते हैं, तो उनका ही डिस्प्ले निकलता है, बैक पैनल निकलता है, बाकी कोई कस्टमर का जल्दी डिस्प्ले और बैक पैनल नहीं निकलता। तो देखो ये फ़ोन की तो हमने बैटरी डाल दी है और अभी फिक्स करते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये बैक पैनल इसका प्रॉपर बैठेगा कि नहीं। तो वो जो बैक पैनल का टॉपिक है गाइस, मैं बता रहा था, वो बैक पैनल आप घर बैठे भी फिक्स करते हैं, फिर कर सकते हैं। तो वो कैसा करना है ये वीडियो में देख लो, बैक पैनल को फिट कैसा करना है। और जो भाई नए रिपेयरर भाई है उनको भी रिपेयरिंग करना है तो बैक पैनल किस तरह से फिट होता है वो भी देख सकते हैं, और सैमसंग की नोट 20 अल्ट्रा की बैटरी किस तरह से चेंज होती है वो भी देख सकते हैं। एक ही वीडियो में दो तीन टॉपिक है गाइस। तो देखो ये बैक पैनल है और ग्लू किस तरह से लगाना है वो भी बता दूंगा। देखो बैक पैनल अब प्रॉपर तरीके से बैठ रहा है, ये बहुत शाइनी फ़ोन है इसलिए वीडियो में नहीं दिख रहा है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा बताइए, और किस तरह के आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। आपको जो वीडियो के सॉल्यूशन चाहिए, जो मोबाइल के सॉल्यूशन चाहिए वो आप कमेंट में बताइए, हम उस मोबाइल के सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। गाइस देखो इस तरीके से ग्लू लगाना है, घर बैठे भी ये आप काम कर सकते हैं मोबाइल का रिपेयरिंग। जिसका बैक पैनल निकल रहा है वो कर सकता है भाई, डिस्प्ले निकल रहा है तो शॉपकीपर के पास जाइए, या आप खुद भी चिपका सकते हैं, उसका भी एक वीडियो मैंने डाला है, वो आई बटन में या एंड स्क्रीन को मैं आपको लिंक दे दूँगा वीडियो की। तो इसी तरह से आपको बैक पैनल को भी चिपकाना है, डिस्प्ले को भी चिपकाना है। ये डिस्प्ले और बैक पैनल हीट की वजह से निकलते हैं। और अभी देखो मिसाल के तौर पर गाइज, एक कोई रिपेयरिंग को फ़ोन करना है, रिपेयर करना है, तो जिस भाई के पास भी रिपेयर को जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो भाई तो सेपरेटर की मदद से ही फ़ोन को गर्म करके बैक पैनल रिमूव कर देता है। तो डिस्प्ले भी चेंज करना है या बैक पैनल भी चेंज करना है तो ये सेपरेटर की मदद से ही काम होता है, गर्म करके ही निकालना पड़ता है फ़ोन के जो भी पार्ट्स है, तो वैसे नहीं निकलते हैं। तो ये टेम्परेचर का ही कंसल्ट होता है। तो भाई ये वीडियो का आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में भी। आपके फ़ोन का बैक पैनल निकल रहा होगा तो टेंशन मत लो, शॉपकीपर के पास जाके फिट कर दो या खुद भी घर बैठे फिक्स कर सकते हैं। T999 का ग्लू यूज़ कर सकते हैं या M51 ग्लू यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे मार्केट में ग्लू मिलते हैं, 100 रुपये में मिलते हैं, ये बहुत सारे काम में आपको यूज़ होते हैं। अमेज़ोन पे भी मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी मिलते हैं, तो मेरे पास लिंक मौजूद होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। देखो गाइस बैटरी डाल दी है, बैक पैनल चिपकाने के बाद आपको ये भी करना है, रबर भी लगाना है।
नहीं तो रबर नहीं लगाएंगे तो बैक पैनल प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा। रबर लगा के 2-3 घंटा रखना है तो अच्छे तरीके से फिक्स होगा, 15-10 मिनट नहीं रखना है। 10-15 मिनट में भी फिक्स होता है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से काम करेंगे तो परफेक्ट काम हो जाएगा आपका। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोबी फिक्सर गाइज़। और इसी तरह के नए नए वीडियोस सॉल्यूशन मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। और बहुत सारे वीडियो है यहाँ पर रिस्टोरेशन के वगैरह सॉल्यूशन है, चार्जिंग के, नेटवर्क के, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। जो नए भाई रिपेयरर वाले हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोबी फिक्सर गाइज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें।